दोस्तों यह है पेपर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर बोटनी एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स अनुवांशिकी। मैक्सिमम मार्क 50, टाइम 3 आवर्स। इस प्रश्न पत्र को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। ए बी एस है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सेक्शन ए खंड ए। दिस सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। क्वेश्चन वन, गेहूं व सरसों के विकास में बहुगुणिता की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन टू, उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। फसल सुधार में उत्परिवर्तनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन थ्री, बहुविकम विकल्पी से आप क्या समझते हैं। मानव में ए बी ओ रक्त समूह की सहायता से इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन फोर, माना कि स्क्वैश के फल बार में 400 ग्राम किस्म व 1000 ग्राम किस्म में अंतर जीन 3 जीन युग्मों ए बी बी तथा सी सी के कारण होता है। प्रत्येक प्रभावी एलील 100 ग्राम फल बार का योगदान करता है। एक 400 ग्राम ए ए बी बी सी सी और 1000 ग्राम फल बार वाली किस्मों के बीच संकरण से प्राप्त F1 F2 की फिनोटाइप या जीनोटाइप क्या होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10 मार्क। क्वेश्चन फाइव, मेंडल के वंशागत नियमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इनमें से किस नियम को आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और क्यों। क्वेश्चन सिक्स, उन सूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, अधिकतम 200 शब्दों में, केवल 2 को हल करना है। क्वेश्चन सेवन, रासायनिक उत्परिवर्तकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुवांशिकी में T.H. मोर्गन के योगदान को लिखिए। क्वेश्चन नाइन, डीएनए की द्विकुंडल संरचना का वर्णन कीजिए। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सेक्शन सी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ईच पार्ट कैरीज 2 मार्क्स। प्रत्येक भाग 2 अंकों का है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, निम्न का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण, विषम युग्म जी, कोडोमिनेंस से प्रभाविता। मेंडल ने कितने गुणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने जीन शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था। 2 अंक। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के और अधिक पेपर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।